लू का क्या लक्षण है सर? लू लगता है तो शरीर पूरी तरह से गर्म होगा, भूख नहीं लगेगा, बच्चा बहुत बेचैन होने लगेगा। बच्चे के डॉक्टर मौजूद हैं, SNCU मौजूद है, आप वहां आ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर ट्यूब, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं गुरु गोविंद सिंह सदर हॉस्पिटल पटना सिटी में। जिस तरह भीषण गर्मी का प्रकोप और तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं, वैसे स्थिति में इस हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे तो लंबी लाइनें लगी हुई है। मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लोग करें तो क्या करें, घर से निकले या नहीं निकले। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एहतियात के तौर पर अगले 3 से 4 दिन आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह गर्मी का प्रकोप, भीषण लहर, लू के चपेट में लोगों का लगातार मरीजों की संख्या बढ़ना कहीं ना कहीं एक दुखद खबर हो रही है। वैसे स्थिति में इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, अगर वो मरीज आ रहे हैं लू के चपेट से जिनको फीवर हो रहा है, बचाव के लिए क्या है, यहाँ पर पर्याप्त रूप से दवा है या नहीं? सर जी, लू का क्या लक्षण है सर? लू लगता है तो शरीर पूरी तरह से गर्म होगा, भूख नहीं लगेगा, बच्चा बहुत बेचैन होने लगेगा, लगे नौसिया टेंडेंसी, जैसे उल्टी जैसी शिकायत बनी रहेगी। उससे बचने के लिए यही है कि कम से कम अभी गर्मी के समय में बाहर निकले, पूरा पानी पीकर ही घर से बाहर निकले, और ज़्यादा से ज़्यादा धूप में नहीं चले, ठीक है। और जैसे ही लगे कि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पारासीटामोल लें और ORS का घोल उसको पिलाएं, और ज़्यादा दिक्कत होने पे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। मतलब ये लू का लक्षण है और बचाव भी यही है। बचाव भी यही है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त जैसा देखा जा रहा है और हम लोग महसूस भी कर रहे हैं, गर्मी चरम पे पहुंची हुई है, लोगों को लू लगना स्वाभाविक है। तो मैं ऐसे भी सलाह देता हूँ कि पानी का सेवन और हल्का खाना का सेवन नित्य रूप से करें और साफ खाना खाएं। अगर किसी तरह का बुखार या प्रॉब्लम, किसी तरह का लू लगने का देख गर्म का है, तुरंत हॉस्पिटल आएँ। हमारे हॉस्पिटल में 24/7 इमरजेंसी सेवा, SNCU सेवा एकदम सुसज्जित है, जिसमें हर तरह की IV ड्रिप, दवाइयाँ एवं एंटीबायोटिक हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, और हमारे स्टाफ तत्पर हैं उस सेवा देने के लिए। अभी मरीजों की संख्या बढ़ी है, ज़्यादातर उसमें फीवर की संख्या आ रही है, तो उसमें पहला चीज़ है कि हम लोग स्पंजिंग करते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ा तो ओरल डिहाइड्रेशन के लिए ORS देते हैं, और ज़रूरत पड़ा तो IV ड्रिप भी लगाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था हमारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमने वाटर कूलर का भी इंतज़ाम किया है, पीने की पानी की व्यवस्था का भी इंतज़ाम किया है, तो हमारे तरफ कहीं भी किसी तरह का कोई कमी नहीं है। जो भी सरकार ने हमको दिया है वो सारी सुविधाएं हम पब्लिक को देने के लिए तत्पर हैं और दे रहे हैं। और इसमें जितनी भी है पानी की व्यवस्था, ये सब की व्यवस्था सब हमारे यहाँ सुसज्जित रूप से चल रहा है। बच्चों के क्या व्यवस्था करना चाहिए, क्या कैसी परहेजी करना चाहिए? बच्चों के लिए खास कर है कि उनको धूप से हमको बचाना है, और पर्याप्त मात्रा में पानी का इस्तेमाल करना है, ORS का घोल करना। छोटे बच्चे हों तो माँ अपना दूध पिलाएं, और कोशिश करें कि बच्चे लोग को किसी तरह से धूप का रोशनी कम पड़े, गर्मी कम लगे, इसलिए उनको ठंडे प्लेस पे रखिए। अगर किसी का तापमान बढ़ता है तो बच्चे को नहला दीजिए, और नरी पानी से नहला दीजिए, और अगर फिर भी बुखार अगर आपको महसूस होता है, शरीर गर्म है, तो उसको स्पंजिंग कर दीजिए। ज़रूरत पड़ने पे हमारे पास बच्चे के डॉक्टर मौजूद हैं, SNCU मौजूद है, आप वहाँ आ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। हम लोग हर वक्त देने के लिए तत्पर हैं। तमाम तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सब तरह की दवाइयाँ सरकार के द्वारा दी दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ पानी भी उपलब्ध है, सिरप भी उपलब्ध है, गोलियाँ भी उपलब्ध हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे गुरु गोविंद सिंह सदर हॉस्पिटल पटना सिटी के सुपरिटेंडेंट और तमाम चीज़ों से अवगत करवाया कि जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे स्थिति में बचाव और ख़ास करके यहाँ क्या क्या व्यवस्था है, ये तमाम तरह के अवगत करवाएँ। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।